नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं सेंट 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। रायगढ़ जिले में संचालित मोनेट इस्पात उद्योग के द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर जारी शासन के आदेशों का खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। आपको बता दें, मोनेट द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन को जरूरी नहीं समझा जा रहा है। जिले में संचालित मोनेट इस्पात उद्योग के द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर जारी शासन के उस आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है। इस उद्योग के अंदरूनी हालात को देखकर स्पष्ट लगता है कि ना तो इस विषय को लेकर यहाँ के कर्मचारी सजग हैं, न ही कंपनी प्रबंधन इस बात पर ध्यान दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उद्योग में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही यहाँ कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखकर कर्मचारियों के लिए जारी स्वास्थ्यगत निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन के अनुरोध व निर्देश के बावजूद कंपनी प्रबंधन कितनी बड़ी लापरवाही कर रही है। सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार यह वीडियो 4 अप्रैल को रात लगभग 8 बजे बनाया गया है, जिसमें कैंटीन में कर्मचारी खाना खाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि कैंटीन का संचालन करने वाले लोग भी हाथों में दस्ताने और मुंह पर मास्क भी नहीं पहने हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि प्रबंधन के द्वारा कर्मचारियों को सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। दूसरी तरफ जिला व पुलिस प्रशासन उद्योग की चार दीवारी के बाहर तो अपने दबाव से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, परंतु उद्योग की चार दीवारी के अंदर कुछ इस तरह के नज़ारे आम हैं। इस तरह की लापरवाही से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं इसी उद्योग से कोरोना संक्रमण का खामियाजा स्थानीय लोगों को न भुगतना पड़ जाए। ऐसे में इस बात की आवश्यकता है कि जिला प्रशासन इस तरह की लापरवाही को तत्काल संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें, ताकि संक्रमण की भावी संभावनाओं पर विराम लग जाए। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।